कैसे हो आप सब? आज मैं कुछ एक अलग ही मूड में जा रहा हूँ, मतलब बहुत सीरियस वाले। अभी रात के कुछ 1:32 बज रहे हैं, तो सोचा थोड़ा सा कुछ रियलिटी को फेस कर ले, कुछ रियलिटी देख ले। अभी आपको नहीं समझेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको ये जितने भी घाट्स हैं ना, ये दिन में बहुत लोग दिखाते, क्या कैसा मुझे आपको दिखाना है कि रात में इन घाट की एनर्जीज कैसी रहती है और एक घाट कैसे रहते हैं। और एनर्जी से मेरा साफ मतलब है कि वो पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। फिलहाल मुझे बोलते हैं ना, ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना, वरना मैं वहाँ तक जा भी नहीं पाऊँगा। क्योंकि ऑब्वियसली यार, डर 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 नहीं बोल सकता मैं, बट लगता है यार, कुछ तो लगता है। बट फिर भी तो अभी जाते हैं, मुझे देखना उधर, मतलब कैसा एनर्जी है, कैसा वाइब रहेगा उधर। और मैं सच बोलता हूँ, बनारस के घाट रात में बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत मौत मीन्स बहुत कम लोग। हर कोई इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं रहता कि जा पाए। अब मैं आज जा रहा हूँ चेक करने, मैं हूँ कि नहीं, तो वैसे मैं इसको जज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ मैं हूँ कि नहीं। आज मैं कुछ चेक करने आ रहा हूँ फर्स्ट टाइम लाइफ में, तो डायरेक्ट वहाँ चलते हैं। अभी थोड़ा ठंडी भी लग रहा है, तो इधर उधर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको घाट पे लेके जाऊँगा। बाहर से नहीं ना, अभी कुछ 15 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया है। थोड़ा सा ठंडी लग रहा है बाइक पे, ज्यादा इसमें कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ सुनाई नहीं देगा, हवा ही आने वाला है वैसे भी, तो डायरेक्ट मिलते हैं उधर। बस अभी सामने ही राजा हरिश्चंद्र घाट है, जो जहाँ पे जलाया जाता है बॉडीज को। घाट पे जाने के पहले मैं आपको दिखा दूँ, इधर डेड बॉडीज जलाने के लिए यहाँ पे सारी लकड़ी मिलती है, और वो लेफ्ट राइट में फूल ये सब, और लेफ्ट में एक वेयरहाउस है जहाँ पे बॉडी पूरी रेडी करते जलाने के लिए। ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है और फैला हुआ है ये सब। गोट सेक्रीफाइसेस के लिए बलि दी जाती है इनकी, एंड वो शमशान है। चालू हो गया, हम आधे 1 घंटे बैठे थे। मतलब इधर आने का कुछ एक अलग ही वाइब है, मतलब बोलते हैं ना, आप कहीं भी रहो दुनिया में, कुछ भी इंजॉय करो, कोई किधर घूम रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, तो कोई कुछ और कर रहा है, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट आफ्टर ऑल रियलिटी यही है। और जब ऐसे टाइम पे आके इधर ऐसे खड़े रहना, मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, ज़्यादा नहीं, तो मुझे मतलब एनर्जीज फील होती है, और मुझे इधर अलग अलग टाइप के एनर्जी फील हो रही है। और अभी
मुझे थोड़ा सा अजीब मालूम है क्यों लग रहा है, उधर को अगोरी साधुज ये सब जो बजा रहे हैं पूजा कर रहे हो तो रात को अपना रोज उसके तो मैं अभी थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस पर आके खड़े हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे वो शमशान था ये, जबकि यहाँ का सबसे बड़ा वाला नहीं है, सबसे बड़ा मणिकर्णिका है। उसका भी मैं एक व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। वहाँ तो मीन्स अलग ही है, वहाँ तो एक श्राप है कि मीन्स वहाँ कभी भी वो जो चिताएँ रहती जो बॉडीज जलती वो कभी रुक नहीं सकती। तो वो मैं 2 से 3 बार गया, मैं जब भी गया वहाँ बॉडीज जलती रहती है, और 1-2 नहीं 5-6 मिनिमम जलती रहती है, कोरोना में तो छोड़ दो। और बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो लाल लाल, अगर आप ध्यान से देखो एक सेकेंड, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 5-6 कुछ साधु बैठ के कुछ क्रियाएं कर रहे थे, और मैं लिटरली इधर से चल के आ रहा था, तो ये बंदे ने मेरे को बोला थोड़ा डिस्टेंस बना के चलो। तो मैं फिर एक तो ऐसा वाइब था, कुछ अलग फीलिंग था, तो मैं यहाँ से ऐसे करते हुए इधर से इधर आ गया। तो राहुल तू मतलब इधर लोकल है, तो तेरे हिसाब से मतलब तूने कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी कुछ ऐसा महसूस किया कभी, मतलब आता होगा तो? नहीं भैया, वो डिपेंड करता है आप किस घाट पे और किस टाइमिंग पे हो कहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पे रहेंगे और रात के टाइम पे, तो भाई ऐसी नॉर्मली बात है कि वो आपको डर लगेगा ही थोड़ा बहुत। इसी मंदिर की बात करता हूँ, आप देख सकते हो बैठे योगी लोग। तो अभी इधर तो ऑलमोस्ट मैंने 2 से 3 घंटा रुका, मैं थोड़ा मेडिटेट करने को ट्राई किया इधर, कुछ एक अलग ही एनर्जी था इधर, मैं नहीं कर पाया था 10-15 मिनट से ज़्यादा, मतलब दिमाग एक जगह पे था ही नहीं, कंटिन्यू माइंड डाइवर्ट हो रहा था। तो अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं, जा रहे 80 घाट, वहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है, वो नॉर्मल घाट है और सबसे फेमस घाट है इधर का। तो अभी हम वहीं से निकल गए। मैं सच बोलूँगा, मैं जब तक वहाँ पे था मेरा जो लोअर एब्डोमिन है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब बोलते कुछ अजीब सा कुछ लग रहा था। अब वो मैं ये नहीं बोल सकता कि कुछ ऐसा भूत ही है वो। देखिए बहुत सी चीज़ें रहती जो हम नहीं बिलीव करते और नहीं भी करनी चाहिए अगर वो अंधविश्वास वाली हो। और ये वीडियो के थ्रू मैं ये नहीं बोल रहा कि आप विश्वास करो हर चीज़ का, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ एनर्जीज तो होती है जो फील होती है, और जो मुझे फील हुआ मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। अभी मैं वहाँ से निकल गया, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। अभी मैं जाऊँगा 80 घाट और उसका मैं आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि वहाँ अभी सुबह हो रहा है। अभी मुझे उधर का अलग आपको कंटेंट दिखाना है, मैं चाहता हूँ आप भी एक अलग मूड में रहो, क्योंकि ये देखने के आप डायरेक्ट आप उतना शिफ्ट हो गए, मेरे इतना सह सकोगे मेंटल स्ट्रेस नहीं ना, तो इसीलिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखना 80 घाट का। फिलहाल हम लोग उधर जा रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ उधर सुबह की आरती।